प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते से भारतीय उद्यमियों का बढ़ा मनोबल, अमीरात के साथ संबंध हुए और सुदृढ़। गृहमंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के प्रथम चरण का किया लोकार्पण। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिवाजी महाराज को किया नमन। चेन्नई के पास पट्टीपोलम गांव में डॉक्टर एपीजे अब्दुल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन की हुई शुरुआत, रॉकेट का आज सुबह हुआ प्रक्षेपण। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में फरवरी महीने में तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि, न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 7 से 11 डिग्री सेल्सियस अधिक। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 46,000 से पार, तुर्की में 40,600 से अधिक लोगों की मौत, सीरिया में 5,800 से अधिक लोगों ने गंवाई जान, आपदा ने 2,64,000 से अधिक अपार्टमेंट्स को किया तबाह। सीरिया के काफसूसा इलाके में इजराइल रॉकेट हमला, हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत, घनी आबादी वाले इलाकों में कई इमारतें क्षतिग्रस्त। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बड़ा बयान, रूस को यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए करना चाहिए भुगतान। अब खबरें खेल जगत से। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने जीता कांस्य पदक। नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दूसरे क्रिकेट मैच में भारत ने रविंद्र जडेजा की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत शानदार जीत की दर्ज, ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर श्रृंखला की अपने नाम, रविंद्र जडेजा ने हासिल किए 7 विकेट।